शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं वहीं से जहां पर वो नामांकन दाखिल करने पहुंच गए हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट के जरिए सूचना दी थी कि कितने बजे वो नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस वक्त शशि थरूर मौजूद है अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। फूलवाला के साथ शशि थरूर के लिए बेहद अहम दिन क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनका ही नाम सबसे पहले सामने आया था। उसके बाद एक एक करके सभी नाम सामने आए जिसमें दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया, वो हालांकि नहीं भर रहे पर्चा। एक वक्त था अशोक गहलोत का भी नाम सामने आया प्रमुख तौर पर, लेकिन उन्होंने भी विड्रॉल कर लिया। लेकिन अब शशि थरूर वर्सेस खड़गे। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। मौसमी, देखिए बेहद अहम दिन थरूर के लिए, एक एलिटिस्ट माने जाते हैं जिस तरह के शब्दों का वो चयन करते हैं किसी भी भाषण में किसी भी बयान में, दरअसल उसके लिए थरूर की एक अलग पहचान है। लेकिन आज जब वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं, खड़गे वर्सेस थरूर की लड़ाई है या फिर खड़गे वर्सेस खड़गे ही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आला कमान या फिर गांधी परिवार की ओर से तय कर लिया गया है कि खड़गे जो कि यस मैन माने जाते हैं वही अध्यक्ष बनेंगे। देखिए नेहा, थरूरिज्म जो है वो बहुत फेमस है और लगातार उनकी इंग्लिश में पकड़ जो है वो बहुत मशहूर है, लेकिन अब उनकी हिंदी में कितनी पकड़ है उसकी भी अग्नि परीक्षा होगी अगर यहाँ से उनका जो रास्ता है वो आगे अध्यक्ष पद की ओर जाता है। और अभी हम लोग उस कांग्रेस के पीसी रूम में है जिसको यहाँ पे एक कह लीजिए कि टेम्परेरली इलेक्शन कमीशन जो कांग्रेस का है जिसको इलेक्शन अथॉरिटी कहते हैं वो उसका दफ्तर बना हुआ है। यहाँ पे अभी शशि थरूर आए हैं, उसके बाद केएन त्रिपाठी जो कि एक और उम्मीदवार है झारखंड के, वो आएंगे। और शशि थरूर देखिए पूरा माला वाला पहने हैं, पूरे गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ शशि थरूर यहाँ पे नामांकन दाखिल करने आए हैं। और मीडिया का पूरा जमावड़ा है, तमाम जो निर्वाचन अधिकारी हैं मधुसूदन मिस्त्री और सारे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे हैं। शशि थरूर यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे और जाहिर तौर पे एक संदेश देने की कोशिश, उन्होंने कहा नतीजे चाहे जो हो पर मेरी कोशिश है ये संदेश देने की कि अरे मेरी कोशिश है ये संदेश माफ कीजिएगा मेरी कोशिश है ये संदेश देने की कि हम जो है कांग्रेस पार्टी से आते हैं जिसमें लोकतंत्र है। और यहाँ पे बड़ा दिलचस्प सीन है क्योंकि बाहर लगातार मध्य प्रदेश के नेताओं का जमावड़ा हो गया था ये सोच के कि दिग्विजय सिंह भी आएंगे नामांकन दाखिल करने। तमाम मध्य प्रदेश के विधायक और नेता बाहर मौजूद हैं। शशि थरूर दो ढोल नगाड़ों के साथ आए और यहाँ पे शशि देखिए नारा भी सुन लीजिए, हमारा नेता हमारा गुरूर शशि थरूर शशि थरूर, इस तरह की नारेबाजी हो रही है। थरूर साहब मुस्कुरा रहे हैं और पूरे इस लोकतंत्र के इस कांग्रेस पार्टी के इस लोकतंत्र है ये दिखाने और जताने में और तमाम साउथ इंडिया के चैनल उनको घेरे हुए हैं। ये उन्होंने कहा था कि मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ हाल ही में, और हमने जब इनसे इंटरव्यू किया था आपको बताया नेहा तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आइए आपको बाहर का माहौल दिखाते हैं किस तरह से बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। अशोक गहलोत मनीष तिवारी आनंद शर्मा ये सब पहुंचे हैं। दिलचस्प है कि G23 के जो नेता हैं वो शशि थरूर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ शशि थरूर अपने ही सपोर्ट में अपने ही दम पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उनको किसी ने कहा नहीं है। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी खड़गे जी के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। देखिए अशोक बेहद दिलचस्प, कल रात में अचानक खड़गे जी का नाम आया, आज सुबह और दोपहर होते होते वो सबसे प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ गए और साथ ही दिग्विजय सिंह का गेम बिगड़ गया या बिगाड़ दिया गया। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि मैंने जब खड़गे साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो नहीं नामांकन दाखिल कर रहे, फिर मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली, अब ये अंदर खाने कांग्रेस के क्या कुछ हुआ कि दिग्विजय सिंह को ही नहीं मालूम था कि खड़गे जी खड़े हो रहे हैं? देखिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से निकल गए हैं AICC के लिए, उनके साथ दिग्विजय सिंह उन्हीं की गाड़ी में बैठे हुए थे। दिग्विजय सिंह दो बार उनके घर पे आए, सुबह आए थे मिलने उनसे,
दूसरी बार थोड़ी देर पहले आए और वो खुद उनकी गाड़ी में बैठ करके गया नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। काफी सारे नेता थे, दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ थे, नासिर हुसैन थे, कई नेता उनके साथ थे, खुद जो G23 के नेता है पहले ही समर्थन का ऐलान कर चुके हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके प्रस्तावक होंगे, दिग्विजय सिंह भी उनके प्रस्तावक होंगे, अशोक गहलोत भी है, उनसे करीब एक घंटे के करीब उनसे मुलाकात की थी मल्लिकार्जुन खड़गे से, वो भी उनके प्रस्तावक होंगे। बात जहां तक कैंडिडेचर की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बने, बिल्कुल कल शशि थरूर और दिग्विजय सिंह का नाम था, लेकिन खबरें चल रही थी पिछले कई दिनों से कि खड़गे भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन कल आते आते देर रात को ये कंफर्म हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब उम्मीदवार होंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनको पार्टी की तरफ से नहीं, मीडिया की तरफ से पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं कई दिनों से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चर्चा में था, कई नाम थे, उनमें से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी था। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, माना जा रहा था कि वो पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार होंगे, इसीलिए दिग्विजय सिंह ने नॉमिनेशन नहीं भरा, उन्होंने कहा मैं नॉमिनेशन फाइल नहीं करूंगा, और दूसरे नेता भी इनके समर्थन में आ खड़े, शशि थरूर पहुंच चुके हैं वहां पर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में आप देख सकते हैं कि कल रात को भी G23 के नेताओं की बातचीत मीटिंग हुई और आज सुबह भी मीटिंग हुई, लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कन्फर्म हुआ तमाम लोग उनके समर्थन में आगे आ गए। पार्टी कहीं ना कहीं विचार कर रही थी और कल से ये लग रहा था कि आखिरी दिन एक तीसरा उम्मीदवार आ सकता है जो पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार हो सकता है, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर आगे आया और उनके समर्थन में आप देख सकते हैं तमाम नेता खड़े हो गए और लगातार उनके घर पे नेता मिलने आए। ठीक है, लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी भी तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। शशि थरूर के घर के बाहर से अमित भारद्वाज जुड़ रहे हैं। मौसमी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मौसमी, एक बात बताइए, आपने तो खुद प्रमोद तिवारी से बात की, वो प्रस्तावक के तौर पर सामने आए हैं, उनका लगातार ये कहना था कि खड़गे जी सबसे सीनियर नेता है, अब ये सीनियोरिटी की बात अचानक कैसे आ गई? क्या गांधी परिवार के लॉयलिस्ट वो रहे हैं, इस वजह से उनका नाम प्रबल तौर पर सामने आया, वो यस मैन माने जाते हैं इस वजह से सामने आया, या फिर ये माने कि दिग्विजय सिंह उनके जो पुराने तेवर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, कई बार रिवोल्ट की जो स्थिति पैदा की उन्होंने, उस वजह से कहीं ना कहीं खड़गे जी को वन अप और बेनिफिट मिला? देखिए, ये कुल मिला के अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पहले से ही दिग्विजय सिंह ये इशारा कर रहे थे कि शायद वो नामांकन दाखिल करेंगे और आगे तक नहीं जाएंगे या नामांकन दाखिल ही नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने क्लियर कट नहीं कहा था कि मैं पूरा चुनाव लड़ूंगा, किसी भी उनने इंटरव्यू हमने इतने तमाम लिए और उन्होंने क्लियर कट ये इंडिकेट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि गांधी परिवार से और 10 जनपद से कोई ठान नहीं सकता, कोई रार नहीं लेना चाहता, और एक एक तरफ अगर अशोक गहलोत का नाम हटता है और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कैसे आया, जाहिर है कि 10 जनपद की मंजूरी थी और तब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक सक्रिय हुए। मौसमी, शशि थरूर के बाद कौन पहुंचा है पर्चा दाखिल करने के लिए? जी, वो KN त्रिपाठी हैं, वो झारखंड के उम्मीदवार, झारखंड से नेता हैं और उम्मीदवार है, वो बोल रहे हैं झट से मैं वापस ले लूंगा जैसे ही पार्टी लीडरशिप उनको ये इशारा करेगी। तो वो भी लोकतंत्र का जश्न मना रहे हैं शशि थरूर की तरह, वो भी उम्मीदवार हैं और वो अपना पर्चा दाखिल करने के लिए आए हैं। झारखंड की सियासत में सक्रिय रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने अपने मकसद से, अपने अपनी मंशा से, अपने अपने इरादों से कुछ जताना और प्रूफ करना चाहते हैं, तो KN त्रिपाठी भी उनमें से हैं कि ये क्योंकि कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है इसलिए मैं हिस्सा ले रहा हूँ। हमने उनसे बाइट भी ली थी तो बोल रहे थे कि जैसे ही पार्टी आला कमान करेगा तो मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये जो पूरा ये चुनावी प्रक्रिया हो रही है, क्या मैच फिक्सिंग हुई है कि जो भी गांधी परिवार का कैंडिडेट होगा उसके सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है।